वहीं दुर्ग जिला पुलिस के थाना खुर्सीपार के थाना प्रभारी ने नव वर्ष के मौके पर मिसाल कायम की है, जिसके तहत उन्होंने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत असहाय व जरूरतमंदों को ठंड से बचने कंबल का वितरण किया। खुर्सीपार थाना के प्रभारी दुर्गेश शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा नए वर्ष पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगामी वर्ष को अच्छा बनाने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले असहाय और जरूरतमंद लोगों में कंबल का वितरण किया गया। साथ ही आने वाले समय में अन्य किसी प्रकार की जरूरत होने पर उनकी भी जरूरत पूरी करने का आश्वासन दिया गया। इसके पूर्व भी दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी द्वारा कई ऐसे जनहित के कार्य किए जाते रहे हैं, जिनकी चर्चाएं पूरे प्रदेश भर में होती रही हैं। खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने कड़कड़ाती ठंड में कंबल बांटने के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया। नए साल का दिन था और परंपरा रही है कि नए साल की शुरुआत अगर बुजुर्गों के आशीर्वाद से की जाए तो पूरा साल जो है बड़ा अच्छा गुजरता है और सब सुख शांति बनी रहती है। उसी तर्ज पर खुर्सीपार पुलिस के द्वारा जो हमारे क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग हैं, आसक्त लोग जो थे जिनको जरूरत थी, उनको कड़कड़ाते ठंड को देखते हुए खुर्सीपार पुलिस परिवार की ओर से नए साल के उपलक्ष्य में कुछ कंबल वगैरह वितरित किए गए हैं और उनकी उनको शुभकामनाएं दी गई। इसके पीछे ऐसा कोई विशेष सोच नहीं था, बस चूँकि हम लोग पेट्रोलिंग पे रहते हैं, लगातार फील्ड पे रहते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास में चीज़ें नहीं होती हैं, तो बस ऐसा ही एक पहल करने का था कि नए साल से इन चीज़ों की शुरुआत की जाए और लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी यथासंभव मदद की जा सके। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के खुर्सीपार थाना टीम के द्वारा किया गया यह प्रयास काफी सराहनीय है और इसी तरह एक मानव दूसरे मानव के काम आता रहता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।